हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के चलते विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई। इसी कड़ी में विजयदशमी के उपलक्ष्य में श्री रामलीला सभा की ओर से आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर रावण का दहन किया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खुली जीप में सवार होकर पूरे दशहरा ग्राउंड का राउंड लगाया और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हमेशा धूमधाम से मनाया जाता है और वह करनाल का विधायक होने के नाते हर बरस रावण दहन के अवसर पर करनाल में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ करनाल के मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, पूर्व मुख्यमंत्री के OSD अमरिंदर सिंह के साथ साथ रामलीला सभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन न्याय और अन्याय के बीच में ये जो सदियों का संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में न्याय की विजय का दिन है। इसीलिए आज के दिन इसको हम विजयदशमी के दिन से मानते हैं और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश में ही नहीं सारी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर हमेशा हमेशा के लिए हमको एक ही बात का स्मरण आता है कि हमेशा न्याय के साथ हम लोग खड़े रहे, अन्याय की पराजय हमको करनी है। इस प्रकार के व्यवहार को हम अपने मनों में बैठा लें, जनता में सार्थक करें और एक सुखी समाज के जो निर्माण होगा, इससे मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आशा है आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।